जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो टीगो? आज मैं डाफ्टो शॉप में आप पिक्चर को कैसे उसके बैकग्राउंड को चेंज करते हैं और उसको PNG और JPG में कैसे करेंगे, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलते स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोटो यहाँ पर फाइल पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे ओपन। ठीक है, यहाँ से भी पिक्चर आएगा या हम कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस कर लेंगे। ठीक है, कीबोर्ड से क्या कंट्रोल ओ प्रेस कर लेंगे या डबल क्लिक, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर यहाँ पर भी है। जो पिक्चर मिसाल जहाँ पर भी हो हमारे पिक्चर या डाउनलोड पे। ठीक है, यह हमारे पास पिक्चर आ गया। हम इसको या हम इसको PNG में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेयर बनाएंगे। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर यहाँ से भी बन सकता है और कंट्रोल जे कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक लेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ को लेयर को हम माफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे इरेजर टूल पे, यहाँ पर मैजिक इरेजर टूल, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लेयर पे क्लिक किया। ठीक है, इसी एक क्लिक से ये देखो ये हमारा PNG पिक्चर, एक ही क्लिक से हमारा PNG। अब देखो यहाँ मूव टूल पे क्लिक करते हमारा पिक्चर यहाँ से मूव हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सेव कर लेंगे, फाइल पे क्लिक कर लेंगे या सेव एज। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, नीचे नीचे पी प्रेस कर लेंगे, यहाँ पे PNG। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे PNG फोटो। ठीक है, या हम इसको सेव कर लेंगे डी में। ठीक है, या हमने ओके तो हम यहाँ से सेव किया। अब जाएंगे हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, डी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये देखो ये हमारा PNG पिक्चर आ गया। ठीक है, यहाँ से हम कट कर लेंगे, इसके लिए एक फोल्डर बनाएंगे या डाउनलोड पे या डॉक्यूमेंट फोल्डर में, यहाँ पे हम फोटो PNG एंड JPG, यहाँ पे हम पेस्ट पर कंट्रोल V से हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर आ गया, इसका बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये JPG है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये PNG है। ठीक है, PNG और JPG। अब इसको यहाँ से क्लोज कर लेंगे। ठीक है, बंद। अब यहाँ पर हम PNG JPG कैसे कर लेंगे, इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये, यहाँ पर मैजिक वैंड टूल, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से नहीं हो रहा। ठीक है, कंट्रोल बैकस्पेस से हम कलर देंगे, यहाँ से देखो नहीं हो रहा। ठीक है, कंट्रोल डी कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉलीगन लेस टूल, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पॉलीगन के साथ हम इसे इसको इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
डबल क्लिक, ठीक है। अब ये हमारा पिक्चर, देखो यहाँ हम आप यहाँ पे कलर देंगे कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल अल्ट जेड कीबोर्ड से, ठीक है। यहाँ पे हम इमेज पे जाएंगे, ठीक है, सेलेक्ट, यहाँ पे लिखा इनवर्स। कीबोर्ड से हम कंट्रोल शिफ्ट आई भी प्रेस कर सकते हैं, देखो हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर लेंगे, पिक्चर सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल शिफ्ट आई बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, ये देखो हमारे पास ये हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। ऐसा हम बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे, ये कलर अच्छा लगा, ठीक है, जो कलर भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब यहाँ पर कीबोर्ड से हम कंट्रोल डी प्रेस कर लेंगे, क्या कंट्रोल डी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम जेपीजी में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे फाइल सेव, यहाँ पे हम जेपीजी, ठीक है, जेपीजी में प्रेस कर लेंगे, यहाँ पे हम जेपीजी IMRN इमरान एजर इमरान एजर टू, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पर भी हमने सेव किया था डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे हमने कहाँ पे किया था, डाउनलोड में, यहाँ पे हमने, ठीक है, सेव। अब वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, अब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ये देखो ये हमारे पास PNG आ गया, या हमारे पास JPG, ठीक है, ये दोनों हमारे पास PNG और JPG, आप ऐसे PNG और JPG में आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो ये PNG है, ये JPG है। अब उसी पिक्चर को मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ये PNG और ये JPG, ये साइड पे जो ये है, ये मैं इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से। कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे जूम कर देंगे, ठीक है, जूम कंट्रोल प्लस से भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे क्लोन स्टैम्प पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से कीबोर्ड से हम अल्ट प्रेस कर लेंगे, ठीक है, अल्ट प्रेस करेंगे तो ये प्लस निशान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसकी साइज थोड़ा कम कर देंगे, ये देखो यहाँ से क्लोन स्टैम्प से आप ये कर सकते हैं, देखो यहाँ से क्लोन स्टैम्प अल्ट प्रेस कर लेंगे और लेफ्ट क्लिक माउस का, ठीक है, यहाँ पे फिर अल्ट प्रेस कर लेंगे इसे, अब यहाँ पे जूम पे कंट्रोल इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फोटो रेडी होगा, ये JPG पिक्चर हमारे पास रेडी हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर ब्राइटनेस भी कंट्रोल एम प्रेस कर लेंगे, यहाँ पर ब्राइटनेस हम ऐसे या यहाँ से नहीं, कंट्रोल एल से हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, या से हम ब्राइटनेस ये ब्राइटनेस, ठीक है, हम ऐसे ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। आज अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लोन स्टेम और ये पेंट टूल के बारे में इंशाल्लाह बनाऊंगा और अपलोड भी कर लूंगा।